तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एजाज है, मोहम्मद एजाज कादरी। सर मुझे बताइए कि जो कोविड सेंटर आपने ओपन करने का जो फैसला लिया, इसमें आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए आप तो आप शहर से ही है और नागपुर के हालात आप जानते हैं। नागपुर में सबसे ज़्यादा डेथ रेशो नागपुर से ही है और ऑलमोस्ट जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें 25% के करीब जो रेशो है वो पॉजिटिव का आ रहा है। इट मीन्स कि अगर उसको एक रेशो, संदीप माहेश्वरी उन्होंने भी ये कहा है, अगर ऐसे रेशो आता है तो वो मीन्स टेस्ट पे होता है। अगर नागपुर का 25 लाख अगर पॉपुलेशन है और एक दिन में अगर उसे भी टेस्ट कर लिया जाए तो उनका भी 25% जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर इस तरह से अगर पकड़ी जाए बातों को तो जो ज़्यादा पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बेड नहीं है। सिटी में वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स तो छोड़िए आज की तारीख में ऑक्सीजन की भी कमी है। और कल सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हम एयरफोर्स की मदद से ऑक्सीजन बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे करके। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जानते भी हैं। ये तो, क्या सोचकर आपने ये सब किया? मतलब काफ़ी टाइम से आपकी ये प्लानिंग चल रही थी या फिर जैसे अभी ये पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन है उसको देखकर आपने ये फैसला लिया? प्लानिंग तो है हमारी, हॉस्पिटल को लेकर एक प्लानिंग है और उसके लिए काम भी चल रहा है और इंशाल्लाह जल्द ही वो सारे सिटी के लिए हम लोग सिटी में यानी उसे वायरल भी कर देंगे। हमारी जो प्लानिंग शुरू है तो, लेकिन ज़रूरत देखिए, ज़रूरत तो हमेशा से है हमारे पास में। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ताज का लंगर, हमारे पास में डेली ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं, अलग अलग भाइयों के पास में कॉल्स आते हैं, मुझे आते हैं भाइयों के पास, ये हमारे सी आरिफ रहमान साहब हैं, जावेद भाई, जो भी हमारे भाई लोग हैं, तो हमारे पास में डेली कॉल्स आते हैं। तो अक्सर कॉल्स ऐसे होते हैं कि किसी को कैंसर हो गया या कोई ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, अलग अलग प्रॉब्लम को लेकर के कॉल आते हैं और लोगों के पास में पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होने के बाद में देखिए, डॉक्टर्स कुछ अच्छे डॉक्टर्स तो है आज भी मौजूद, लेकिन मोस्टली ये प्रोफेशन भी बन चुका है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो वो जो स्लॉटर हाउस बोलते हैं ना, तो धंतोली वगैरह ऐसी जगह पे जो ज़्यादा दवाखाने जहाँ पर है उनको एक नाम भी देते हैं कि ये स्लॉटर हाउस है करके। यहाँ पे यानी मीन्स ऐसा है कि लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए दे करके डेड बॉडीज लेकर आते हैं वहाँ से। पैसा तो आपको भी लगा होगा ये सब करने के लिए, देखिए कैसे मैनेज किया? हमको पैसा लगा है और फिलहाल तो बहुत सारे लोगों के काम भी बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन पैसा लगने के बाद भी हमने इससे पैसा कमाना नहीं मकसद नहीं रखा। हमारा सिंपल है, डेली का जो बेड चार्जेस है, क्योंकि बेड्स के जो रेंट्स वगैरह ये हमने जो तय है वो 500 रुपीज़ है ओनली। और उसके बाद में ऑक्सीजन चार्जेस है, ऑक्सीजन की बड़ी शहर के अंदर मारामारी है और हमारे जो सपोर्टर हैं तारिक पटेल सर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें ऑक्सीजन सप्लाई करने की, और हम हेल्प हैं उनकी तरफ से कि उनकी हेल्प से हमने ये हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर शुरू करने की ताकत बना ली है। तो ऑक्सीजन का हम सिर्फ 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं और 500 रुपीज़ बेड चार्ज है, 500 डॉक्टर्स फीस है और नर्सेज का फीस हमने 300 रुपीज़ रखा है। ये पर डे का? हाँ, पर डे। और हाउसकीपिंग एंड वार्ड बॉय चार्जेस हमने 100 रुपीज़ रखा है, ऐसे कुल 2600 होता है, 2600 रुपया। और उसके बाद में जो मेडिसिंस का है, मेडिसिंस एक्सक्लूडेड है, वो जहाँ से भी पर्सन चाहे, पेशेंट के रिश्तेदार चाहे, वो मेडिसिंस वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया ये हमारा कोविड केयर सेंटर्स का। हमारा कंटिन्यूस में एक शहरी प्रोजेक्ट भी चलता है। शहरी मीन्स अर्ली मॉर्निंग फूड। वो अर्ली मॉर्निंग फूड कैसे रहता है कि वो एक टाइम जो सुबह सूर्योदय से पहले, उसके पहले भी एक वक्त होता है, उससे पहले ये शहरी की जाती है रमज़ान के महीने में। और लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, तो हमने एक ये भी प्रोजेक्ट शुरू किया है कि उन तक ये शहरी पहुँचाई जाए। क्या क्या देने वाले आपसे शहरी में? हम लोग देते हैं वेट
गेहूँ की रोटियाँ देते हैं और चावल देते हैं, ज़ीरा राइस वगैरह, एक सब्ज़ी देते हैं, कभी कभी एक दाल ऐड कर देते हैं, कभी कभी एक स्वीट ऐड कर देते हैं, और उसके साथ में डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह ये देते हैं हम लोग। और इट मीन्स क्या ऐसा है कि वो जिस बंदे तक पहुँचा तो यूज़ एंड थ्रो वाला है पूरा, कि आपको बिल्कुल यानी फहरी करके वो आप तुरंत ही फेंक सकते हैं, तो ऐसा है वो। और फिर राशन किट का भी एक प्रोजेक्ट है कि डेली जो यानी हमारे पास शहर में हमने सर्वे किया है तो ऐसे 300-400 फैमिलीज़ को पॉइंट आउट किया है कि जिस दिन हम ईद मना रहे होते हैं उस दिन उनके घर में खाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो कैसे है कि देखिए, वो साने गुरु जी का एक वो है ना, एक दोहा कड़वा, एक में का सहाय करो अवगे धरु सुपंथ, हाँ खरा तो एक अच्छी धर्म जगाला प्रेम अर पावे। तो हम उसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि ये लोग जो है हम पूरे शहर को, हम अपने पूरे देश को एक जान बनाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसे देश को एक जान बनाना, यानी अगर पुलवामा में कोई हमारे जवान मारे जा रहे हैं, उनको कोई मार रहा है या उनको कोई शहीद कर दे रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे हर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा भारतवर्ष जो है वो एक 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 बॉडी की तरह होना चाहिए। कि अगर वहाँ यानी अगर हमारे किसी भी इंडियन को कहाँ पे भी, वैसे तो पूरी दुनिया, ये सिस्टम पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम भारतवासी है तो भारत के लिए तो हमने ये वैन रखना ही चाहिए। और फिर उसके बाद में ठीक है, अभी हम छोटे लेवल पर हैं तो पूरे नेशन का नहीं सोच सकते उतना, तो हम सिटी लेवल पर ये चाहते हैं कि जिस दिन हम शहरी मना रहे हो उस दिन हमारे भाई भूखे ना सो जाए, इतना तो हमारा एक सोच है, बस इसके लिए काम करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आपके तत्काल न्यूज़ के जरिए पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप इसको अनसेंसर ही चलाएंगे, सेंसर नहीं करेंगे। तो देखिए, सब चीज़ों के ऊपर एक चीज़ है, हम यहाँ पे देश में रह रहे हैं, हम सब भारतवासी आपस में भाई भाई है, बहन भाई है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ लोग हमारे देश में जहर फैलाना चाहते हैं। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कुछ लोग लगातार अपनी जहरीली ज़बान से हम सभी देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जहरीली ज़बान से वो यानी कैसे कि अब आज इतना वो हो गया है कि अगर हमारा कोई बच्चा अगर किसी जगह जाके पानी पीता है तो पानी पीने के ऊपर में मारा जा रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो रही है, हम इसको देख करके बड़ी, मैं इंटरनली बहुत हर्ट हूँ ये चीज़ों को देख करके, डिसअपॉइंट भी हूँ और मैं हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा, कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बंदा मिल जाए, कहीं भूखा मिले तो हम उसको जाके खाना पहुँचा दें, और वो बच्चा अगर कहीं जाके पानी पी रहा है तो उसे पानी पीने के ऊपर मार दिया जा रहा है, और मारने के बाद में वो ठीक है, वो एक ही इंसान की मेंटेलिटी हुई, लेकिन उसके साथ में एक पूरा समाज खड़े हो जा रहा है, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। कि एक बंदा अगर गलती करे मैं उसको मान सकता हूँ, लेकिन उसके साथ सबका खड़ा हो जाना, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो हमारा आज से एक प्रोजेक्ट ये भी है, देश में जो लोग भी जहरीली ज़बान खोल रहे हैं उनकी जहरीली ज़बानों को बंद करना, हर तरीके से उनको कानूनी वो करना। हाँ, और क्या कदम उठाओगे? हम इसके लिए देखिए जो भी लीगल एक्शंस होती है वो करेंगे, और जो भी उन्हें अगर समझाया जा सकता है जिस तरह से तो उन्हें समझाने की भी कोशिश करेंगे। आपका मीडिया भी मैं उस माध्यम से ही यूज़ कर रहा हूँ कि आप मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचाएंगे, और आपके मैसेज के ज़रिए वो कम से कम अपनी मेंटेलिटी बनाएंगे कि हमको ऐसी जहरीली ज़बान नहीं खोलनी है, और देश इसके खिलाफ में खड़ा है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। आप जैसे समाज सेवक तो उतरे ही हैं सभी की मदद करने के लिए, लेकिन सरकार का भी तो एक फर्ज है, वो आपको नहीं लगता कि वो पीछे हट रही है? देखिए, सरकार का फर्ज जो है कैसे कि अभी जितना पैनडेमिक है हमारे इंडिया में और खासकर महाराष्ट्र में, तो मुझे इसके अंदर सरकार की जो महाराष्ट्र ही क्यों, बाकी सब जगह तो ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। देखिए, उसमें अब मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा था, क्रिटिसाइज नहीं, एक आप एक भारत के नागरिक हो, उसके प्रति आपका उस पॉइंट को देखने का क्या? मैं देखिए, अगर बंगाल में इलेक्शन होता है और इलेक्शन की रैलीज में आप भीड़ इकट्ठा करते हैं लाखों, मेरे पास पीएम मोदी जी का ट्वीट भी है, तो लाखों की भीड़ उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर से उन्होंने शूट करके डाला है ट्विटर हैंडल से अपने, और उसके बाद में वो दूसरे दिन जब इलेक्शन के बाद में शाम में एटलीस्ट यानी उन्होंने रैली की और शाम में ही उन्होंने आकर के वो डाल दिया, देखिए 2 गज दूरी
मास्क है जरूरी, तो वो कैसा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो देश की जनता समझती है, वो समझती है, लेकिन वो सही वक्त के इंतजार में बैठी होती है कि कब हमें सही वक्त मिले और हम कब अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें और देश की जनता करेंगे। एक्सप्रेस करने से तो ये सब नहीं होने वाला। नहीं, सभी करेंगे, लेकिन देखिए हर काम का एक वक्त होता है। अब आपने एक जिम्मा उठाया है, आप बोल रहे हैं, आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे और भी खड़े होंगे और लगातार खड़े होंगे। हाँ, और एक दिन आएगा कि रेवोल्यूशन आएगा, हमारे यहाँ तब्दीलियाँ आएंगी। कई नेता बोलते हैं ना हमारे यहाँ के, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है उनका कहना है कि हमारे यहाँ सत्ता जो है वो हस्तांतरित हुई है अंग्रेज़ों के बाद में। सत्ता जो है, सत्ता किसी के मीन्स ऐसे के हमें आज़ादी पूरी पूरी नहीं मिली, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। आज भी दलित पिछड़ा वर्ग जो एस सी एस टी ओबीसी, वो अपनी परेशानियों को लेकर आज भी परेशान है। मैं देखता हूँ उन्हें कि बहुत, और मुझे बहुत गम भी होता है कि जब उनको बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं रखा जाता। आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में देखेंगे तो वहाँ पर में कौन लोग हैं, हाँ वहाँ पे भी बिल्कुल एक ही कम्युनिटी से अगर हम डाल दें हमारा, मैं उनका भी वो कम्युनिटी का भी विरोध नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर हर कोई हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर कोई हो और सत्ता चलाने वाले भी हर कोई हो। हर भारतवासी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे हमारे देश को आगे बढ़ाने में। अब तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाया, जिन्होंने एपीजे कलाम, आप भी रिस्पेक्ट करती होंगी उनकी, और मुझे तो लगता है कि मैंने तो नहीं देखा जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो एक जो उनके नेशन के लिए जो समर्पित थे, वो कामों को देखकर हर कोई उनकी इज्जत करता है, लेकिन एपीजे कलाम को जिहादी बोलने पर भी आज देश का युवा खड़ा नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप एपीजे कलाम को भारत रत्न दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उनके डेथ पर आप 7 दिन का शोक रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे ने एपीजे कलाम को जिहादी कहा है उस बंदे को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। हमारे देश में साईं बाबा, उनको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं उन्हें, तो उन्हें जिहादी कहा गया, उस बंदे को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो हमारा देश मुझे लगता है कि कहीं और जा रहा है, लेकिन देखिए हमको लड़ना है, हमको बदलाव लाना है, चेंज लाना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी जी या कोई भी नहीं रुका, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने किया ना, हम लोग भी कोशिश करेंगे। हम उतना तो नहीं कर सकते अपने लेवल पर, फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रहमान और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सेकंड वेव ने जिस कदर लाइफ को स्पॉइल किया हुआ है, जो हाहाकार मचाया हुआ है, इसको ऐसा कह लीजिए कि इसको एक अंडर एस्टिमेट किया गया, क्योंकि जब फर्स्ट लेयर आई थी, वेव आई थी, उसके बाद में जिस तरीके से उसमें डिक्रीज़ हुआ था, उसके बाद में फिर प्रशासन ने धीरे धीरे उसकी तरफ से ध्यान हटाना शुरू किया, है ना। अभी क्या हुआ कि ये सेकंड वेव ने जिस तरीके से जंप किया, तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की थी कि हम क्या नाम है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ अपील करना चाहूँगा प्रशासन को, सेंटर एवं स्टेट दोनों, कि हम अभी क्या कर सकते अगर हम लॉकडाउन लगाते तो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो तो ख़त्म होते आ रही है, यानी पैंडेमिक का एक हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है ये दूसरा इम्पैक्ट है ना। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता, तो इसके लिए ये कर सकते हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, रोड प्रोजेक्ट हो गए, है ना, आपके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए बोलिए, या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मेट्रो, है ना, तो इसको कुछ समय के लिए शट किया जाए, और जो हमारी प्राइमरी नीड है, जैसे कि आज लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हमारे पास में उतनी मेडिकल ऐड नहीं है, है ना, उतने हॉस्पिटल्स नहीं है। वन ऑफ द एग्जांपल कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, एनजीओ को करना पड़ रहा है, है ना। और हमारे कुछ मिनिस्टर्स ने अपील भी की है कि कुछ एनजीओ सामने आए और ये कोविड केयर सेंटर के लिए काम करें, है ना। तो ज़रूरत है इस वक्त मेडिकल ऐड प्रोवाइड करने की, ज़रूरत है कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट ना किया जाए बल्कि यहीं पर यूज़ किया जाए, है ना। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान कब दिया जाएगा, जब आप वाकई देश की जनता के लिए काम करोगे। अगर मैं खुद के लिए काम करूँगा तो मैं नहीं सोचूंगा इन सब चीज़ों का, ना, लेकिन अगर मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ शासन में बैठने के बाद में, तो मेरा ये दायित्व होता है कि मैं हर किसी का ध्यान दूँ, दोहरा मापदंड ना लगाऊँ उसके अंदर, है ना।
तो इस वक्त की जो नीड है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने की, तो हम गवर्नमेंट से, सेंटर और स्टेट दोनों से ही अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर शुरू करें और लोगों को ये हेल्प प्रोवाइड करें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत क्रिटिकल है। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि ताज कोविड सेंटर की ओर से बहुत ही अविश्वसनीय और प्रशंसनीय वर्क किया जा रहा है, जो लोग सच में आज के डेट में कोविड पॉजिटिव होने के बाद जिनको घर में रखने का भी जो डर लगता है, उसके बाद बेड्स की कमी है, अपने पास ऑक्सीजन की कमी है, तो इन्होंने अपने तरफ से जो बेड्स की अवेलेबल करा के दिए हैं, तो तत्काल न्यूज़ टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और लॉकडाउन से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे तत्काल न्यूज़ लाइव।